हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी सारथी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली 2020 के आपके एमपीपीसी प्रीलिम्स है उसके लिए करंट अफेयर के बारे में, और कई सारे ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स में आपके लिए करंट अफेयर के लेके आऊँगा, क्योंकि कई बार करंट अफेयर थोड़ा सा बोझिल हो जाता है, उसको अगर लंबे समय तक आपको या लॉन्ग लेक्चर्स में देखा जाए तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको करंट अफेयर प्रस्तुत करने वाला हूँ। अभी का जो आज का जो टॉपिक है वो है हुज हु, या किस पद पे भारत के अंदर अभी के समय में कौन व्यक्ति इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या दूसरी पोस्ट के ऊपर है, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके पहले, जैसा आपको पता है, मैं आपको अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, तो ये कई सारे कोर्सेज जो है एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए और एमपीपीएससी मेंस के लिए कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। मेंस के कोर्सेज जो है प्रीलिम्स के तुरंत बाद आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड पवन लाइव यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज। साथ ही लेक्चर के साथ आपके जो क्रेडिट पॉइंट है, जब भी आप अनअकैडमी पर लेक्चर्स देखते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं, उन क्रेडिट पॉइंट को भी आप रिडीम करके फर्दर डिस्काउंट 10% का ले सकते हैं। इस प्रकार से 20% का जो डिस्काउंट है आपको टोटल आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के हो सकता है। उसके लिए कोड पवन लाइव जो है वो आपको यूज करना है। चलिए, तो यहां पर आपकी सहूलियत के मैंने करंट अफेयर जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, या अगर आप बात करेंगे तो जो भी पोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मेरे करंट या अभी के समय में कौन है, साथ ही पहले कौन थे, क्योंकि हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी पोस्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो क्वेश्चन आपके यहां पर आपको सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके दो नंबर पक्के हो गए या ऐसा कुछ है, कि यहां से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी के समय में रामनाथ कोविंद जी हैं, और पहले जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू, पहले वाइस प्रेसिडेंट जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्राइम मिनिस्टर अभी के समय पर नरेंद्र मोदी हैं, और पहले प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा अभी के टाइम पर श्री ओम बिरला हैं, जो राजस्थान के कोटा से आते हैं, और पहले जो स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको पंडित नेहरू हैं उन्होंने उनको संविधान आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो पार्लियामेंट है संसद की आत्मा कहा था। अगला डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अभी के समय में डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह हैं, दूसरी बार ये लगातार आपके डिप्टी चेयरमैन बने हैं, तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों पोस्ट होती है। और ये बिहार से आते हैं डॉक्टर हरिवंश नारायण सिंह, बिहार से जेडीयू जो पार्टी है उस जेडीयू पार्टी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद एस वी कृष्ण स्वामी जो राव हैं, तो एस वी कृष्ण मूर्ति राव, ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर जो है, सॉरी डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा के, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के जो है अभी ये पोस्ट वैकेंट है, पोस्ट खाली है, और पहले जो थे वो एम ए अयंगर थे। तो बेसिकली ये डिप्टी स्पीकर हो गए लोकसभा के, अभी खाली है एम ए अयंगर। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, तो विपक्ष का नेता एक पोस्ट होती है जहां पर जो पॉलिटिकल सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है। अभी के टाइम पे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके पहले गुलाम नबी आजाद थे, जस्ट रिटायर हुए हैं, और अभी के समय पहले जो थे वो श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा थे, 1969 में बने थे। अब याद रखिएगा 1952 से लेके 69 तक, मतलब तीसरी लोकसभा तक कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि किसी भी पार्टी को 10% का जो कोटा होता है 10% का सीट वहां पर आपको नहीं मिला था। तो ये आप याद रखिएगा, आपके एस एन प्रसाद मिश्रा हैं या आपके श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा पहले बने थे 1969 के अंदर। जस्ट वेट, ठीक है, 1969 के अंदर पहले बने थे। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो यहां पर भी सेम चीज हो जाती है जो आपके राज्यसभा के केस में यहाँ पर आपको होगा। तो यहाँ पर लोकसभा के अंदर अभी के समय में अधीरंजन चौधरी हैं, जबकि पहले जो थे वो आर राम सुभाग सिंह थे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष के नेता थे। यहाँ पर भी 10% वाला जो क्राइटेरिया है यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगा, कि जो पार्टी को 10% से अधिक सीटें मिलेगी या मिनिमम 10% सीटें मिलेगी, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, उसको ये सीट जाएगी। लेकिन अभी के टाइम पर किसी भी पार्टी को 10% सीटें नहीं है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बदले उसको लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का जो नेता है वो इसको माना जा सकता है। चलिए, लीडर ऑफ द हाउस है वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जहां से भी हो, लोकसभा राज्यसभा जहां से भी हो। तो अभी के समय में नरेंद्र मोदी लोकसभा से हैं, तो ही वाज द लीडर ऑफ द हाउस। सेम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले लीडर ऑफ द हाउस थे। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा के अंदर, तो जैसे लोकसभा में विपक्ष का पक्ष का नेता होता है वैसे राज्यसभा में भी पक्ष का नेता होता है। तो अभी के समय में थावरचंद गहलोत है जो केंद्र सरकार के अंदर मंत्री है, और पहले जो थे वो एन गोपाल स्वामी अय्यंगर थे। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो
राज्यसभा से आते थे, तो जब वो राज्यसभा से थे तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो थे वो थावर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए, उसके बाद नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार, और पहले जो थे वो अरविंद पनगरिया हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पर आपको सिर्फ बात हो रही है सीईसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जनरली एग्जाम में बाकी दो कमिश्नर के नाम वगैरह नहीं पूछे जाते, तो यहाँ पर अभी जो कमिश्नर है, अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा, और पहले जो थे वो सुकुमार सेन थे। अगले चेयरमैन एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो चेयरमैन हैं एचएल दत्तू हैं, लेकिन यू नो दैट कि एचएल दत्तू का जो समयकाल है वो समयकाल खत्म हो चुका है। अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि लास्ट कौन थे या एग्जाम में कभी पूछ भी ले और नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं हो, तो आप एचएल दत्तू लगा सकते हैं। पहले जो थे वो रंगनाथ मिश्रा थे, ठीक है। तो इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, और अभी वैसे ये जो पोस्ट है ये पोस्ट वैकेंट है, आप याद रखिएगा, लेकिन कभी एग्जाम में आ जाए, ये पेपर पुराना बना हो या ऐसा कुछ हो, अगर ऑप्शन में एचएल दत्तू हो तो आप लगा सकते हैं, नन ऑफ द अबव ना हो तो। चलिए, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, सरकार के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सबसे बड़ा जो सरकारी अधिकारी है हम उसको बोल सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। राजीव गोबा हैं अभी के समय में, और पहले जो थे वो आपके एनआर पिल्लई थे। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो अजीत डोवाल हैं अभी के समय में ये पोस्ट जो है वो, और पहले जो थे वो आपके ब्रजेश मिश्रा थे, ठीक है। तो ब्रजेश मिश्रा और अभी के समय में आपके अजीत डोवाल, ये भारत के सुरक्षा से संबंधित जो मैटर हैं उनको प्रधानमंत्री के साथ में डिस्कस करते हैं, और प्रधानमंत्री सुरक्षा सलाहकार भी आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, और एनआईए जो होता है उसके हेड होते हैं। चलिए, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या सीएजी जिसको हम बोलते हैं, आर्टिकल 148, तो जीसी मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके पहले ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और पहले जो थे वो वी नरहरी राव हैं, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, आपके राष्ट्रीय अनुसूचित, आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उस पिछड़ा वर्ग आयोग के जो चेयरमैन है आपके डॉक्टर भगवान लाल साहनी है अभी के समय में, और पहले जो थे वो भी आपके भगवान लाल साहनी है, क्योंकि ये जो पोस्ट है 2016 में ये क्रिएट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338B उसके अंतर्गत इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था 2016 में, तो पहले भी वही थे और अभी कंटिन्यूएशन, मतलब इनकम्बेंट ऑफिस आप बोल सकते हो, ओके। फिर चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो विजय सांपला है, वो पहले अध्यक्ष हैं, और अभी के समय में अध्यक्ष, सॉरी, और पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके सूरज भान थे, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके चेयरमैन जो है हर्ष चौहान है, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और पहले जो चेयरमैन थे वो थे आपके कुंवर सिंह, तो अभी के समय में और पहला, दोनों आपको याद होना चाहिए। चेयरमैन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या संघ लोक सेवा आयोग, अभी के समय में प्रदीप कुमार जोशी इसके चेयरमैन हैं, जबकि एच के कृपलानी जो है वो पहले थे, है ना, आपके बेसिकली जो यूपीएससी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि 1935 के पहले यहाँ पे बन चुका था, तो अगर इसके पहले चेयरमैन बोले, और पहले चेयरमैन में अगर इंडियन चेयरमैन की हम बात करें, ठीक है, तो सॉरी, ओवरऑल अगर चेयरमैन की बात करें तो सर रॉस बार्कर जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर पहले चेयरमैन थे, मतलब आजादी के पहले 1935 में, और आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है एच के कृपलानी यहाँ पे बने। अब ये बोल सकते हो कि आजादी के बाद पहला कौन सा है या ओवरऑल पहला कौन सा है, दोनों याद रखिएगा। चलिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या मुख्य सूचना आयुक्त भारत के, जो आरटीआई एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत इनको, इनका पद क्रिएट किया गया है। वाई के सिन्हा या आपके यशवर्धन सिन्हा जो है वो पहले अभी के समय में चेयरमैन है, जबकि जो पहले जो थे वो वजाहत हबीउल्लाह थे, ठीक है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य चुनाव आयोग है ना, हिंदी वाले अलग से अगर चाहें तो हिंदी वाले उसको लिख लें, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 76 के अंदर है, उसमें पहले जो थे अभी के समय में आपके के वेणुगोपाल हैं, जबकि पहले जो थे एमसी सीतलवाड़ थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे और उसी के साथ में बहुत जाने माने वकील थे। उसका चेयरमैन 21st लॉ कमीशन, 21वां विधि आयोग जो है उसके अध्यक्ष, तो वैसे अगर आपको बता दूं मैं कि सरकार ने जो 22वां विधि आयोग है उसकी घोषणा कर चुके हैं, लेकिन चेयरमैन के नाम का अनाउंसमेंट जो है अभी तक सरकार ने नहीं किया है। तो 21वें का याद रखिएगा, डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान जो थे वो 21वें विधि आयोग के या लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, और पहला जो लॉ कमीशन था, एक्चुअली यहां पर दो लॉ कमीशन बने थे, एक तो आजादी के पहले बना था, इट्स कॉल्ड द लॉर्ड मैकॉले, जिनको आजादी के पहले लॉ कमीशनर का चेयरमैन बनाया गया था, और आजादी के बाद एमसी सीतलवाड़ जो थे उनको पोस्ट इंडिपेंडेंस, पीआई मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो आजादी के बाद आपके एमसी सीतलवाड़ हैं उनको पहला लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था।
ठीक है। फिर गवर्नर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शशिकांत दास अभी के समय में, जबकि पहले जो थे वो ऑस्बर्न स्मिथ थे जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ही जब ये बना था 1935 में उस समय पे, और पहले जो भारतीय थे वो आपके सीडी देशमुख थे। ठीक है, चेयरमैन नेशनल वुमेन कमीशन राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में इस कमीशन को बनाया गया, 1990 में कानून आया, 92 में कमीशन बनाया, श्रीमती रेखा शर्मा उसकी चेयरमैन है और पहली जो चेयरमैन थी वो जयंती पटनायक थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश आप बोल सकते हो तो शरद अरविंद बोबड़े वो पहले अभी के समय में है, अप्रैल तक इनका पोस्ट है, उसके बाद आपके वन इज कॉल नरन्ना नाम है उनका शायद, एग्जैक्टली मुझे नाम अभी जस्ट मैंने उसको कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, तो वो अप्रैल से बनेंगे। खैर तब तक आपका एग्जाम जो है आपका एग्जाम हो चुका होगा, उनके नाम की जो अनुशंसा है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको की गई है। जस्टिस नरिया या ऐसा कुछ उनका नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा उनका नाम, और कहीं दिख भी नरिया, तो उनके नाम का अनाउंसमेंट अभी हुआ है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, हो जाएगा तो मैं अब इसको अपडेट कर लेना। ये लेक्चर जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 मार्च को, है ना, तो 25 मार्च तक की स्थिति है, ये चेंज हो जाएंगे तो याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो कहाँ थे हम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े और पहले जो थे हीरालाल जे कानिया थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये नई पोस्ट बनाई गई है 2020 के अंदर ही, और इसके जो अध्यक्ष अभी हैं वो है जनरल बिपिन रावत, और पहले भी हैं वो, पहले और प्रेजेंट दोनों जनरल बिपिन रावत है। 2020 में पोस्ट बनाए गए, तीनों सेनाओं के प्रमुख तो नहीं बोल सकते लेकिन तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए, उनके समन्वय के लिए इस पद को गठित किया गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवरे हैं, एमएम नरवरे अभी के समय में, और पहले जो थे वो आपके जनरल आपके केएम करियप्पा, इट्स कॉल्ड द कोदनेंद्र मडप्पा करियप्पा। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ या आपके वायुसेना के जो प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं अभी के टाइम पे, आरके भदौरिया, और पहले जो थे वो थॉमस आपके अल्मिस्ट थे। चलिए, उसके बाद चीफ ऑफ द नवल स्टाफ मतलब नेवी के या नौसेना के प्रमुख, अभी के समय में एडमिरल करमवीर सिंह है, जबकि पहले जो थे चार्ल्स थॉमस मार्क पीसी थे, वो पहले भारत के आजादी के बाद। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फिर से आ गया, खैर वो दो बार आ गया, तो पोस्ट वैकेंट है, और लास्ट जो है वो एचएल दत्तू थे, याद रखिएगा, पहले जो थे वो आपके रंगनाथ मिश्रा थे। चलिए, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, राष्ट्रीय आपका अल्पसंख्यक आयोग, ये भी 1990 के कानून बना और 92 के अंदर इसको बनाया गया। इसके ये पोस्ट अभी वैकेंट है, अभी पद खाली है, और सैयद गौरल हसन रिजवी हैं, ही वॉज द लास्ट जो अभी कुछ टाइम पहले आपके रिटायर्ड हो गए। ठीक है, अब इसमें भी क्या था कि दो तरह के पद इसके अंदर आपको आएंगे, मतलब जब इसको स्टेट्यूटरी लेवल या इसको जो वैधानिक स्तर नहीं दिया गया था उसके पहले जो कमीशन था, तो पहला कमीशन जो था उसके चेयरमैन एम आर मसामी थे 1978 में, जब इसको संविधान जिसको उसको जो राइट है लीगल राइट या बोल सकते हो सांविधिक अधिकार या स्टेट्यूटरी राइट नहीं दिया गया था। ठीक है, और स्टेट्यूटरी राइट देने के बाद आपके मोहम्मद सरकार अली खान स्टेट्यूटरी राइट देने के बाद 1993 के अंदर 1993 में बने, है ना, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग, रिकमेंडेशन आ चुकी है, एनके सिंह उसके चेयरमैन थे और पहले वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो आपके केसी नियोगी थे। चलिए, उसके बाद लॉ कमीशन बता चुका हूं, ठीक है, बीएस चौहान और एमसी सितलवार। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय जो विजिलेंस या फिर आपका सतर्कता आयोग, तो संजय कोठारी अभी के समय में भारत के सतर्कता आयुक्त हैं और पहले जो थे वो एनएस राव थे। 2003 के अंदर इसको सांविधिक स्तर या फिर उसको स्टेट्यूटरी राइट दिया गया और उसके पहले 1964 में इस कमीशन को आपका बनाया गया था। चलिए, उसके बाद ये तो बात हो गई आपके इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में। उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या दूसरी कुछ फोर्सेस हैं या दूसरे जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग विंग वगैरह है, तो सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं अभी के टाइम पर ऋषि कुमार शुक्ला हैं, ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो चेयरमैन हैं वो अभी के समय में समंत गोयल हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं अरविंद कुमार अभी के टाइम पर। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना, जो FTI है जिसको हम बोलते हैं, शेखर कपूर जाने माने म्यूजिक मूवी डायरेक्टर हैं और कई सारे प्रोग्राम्स उन्होंने, जैसे अगर आपने एक देखा होगा
तो प्रधानमंत्री नाम की एक सीरीज है एबीपी की, जो आपकी और मेरी सबकी फेवरेट है, तो वो उन्होंने डायरेक्ट की थी उस समय पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी, प्रसून जोशी है ना, जाने माने सिंगर हैं। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ना, प्रकाश चंद्र मोदी है, ये डायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष कर है वो संग्रहण करने का काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, वहां से जो है ये उसके यहाँ पर आपको चेयरमैन है। फिर सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड सुनीत शर्मा, खरीदता इंपॉर्टेंट नहीं है एमपीपीएससी के हिसाब से, लेकिन डाल दिया सुनीत शर्मा। फिर सेबी के जो चेयरमैन है अजय त्यागी, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑलरेडी आपके सिलेबस में सेबी का टॉपिक दिया गया है, तो ऑब्वियसली पूछ सकता है ना, वैसे भी सीबी जो एमपीपीएससी है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कहां चलता है। चलिए, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईडीटी जो है, उसके जो चेयरमैन है वो अजीत कुमार है, जो अप्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है उसके चेयरमैन है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के, प्रत्यक्ष के जो है प्रमोद कुमार मोदी है, और अप्रत्यक्ष के जो है अजीत कुमार आपके चेयरमैन है, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई, उसके चेयरमैन जो है अरविंद सिंह है, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई, उसके चेयरमैन जो है वो आपके सुखबीर सिंह संधु है, किसके, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में कि ये पहली ऐसी भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टीट्यूशन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉडी है जो पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है ना, हर चीज डिजिटल तरीके से लोग कर रहे हैं, तो पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरीके से आपका डिजिटल फॉर्मेट के अंदर आ चुका है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, उसके चेयरमैन पीडी वघेला, हमेशा न्यूज में रहते हैं। उसके बाद आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या हिंदी में हम बोलेंगे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जो भारत के अंदर जो बीमा वगैरह है उनसे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, सुभाष चंद्र खुटिया है उसके चेयरमैन है। उसका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बेसिकली पेंशन से संबंधित जो फंड्स वगैरह होते हैं या पेंशन का पूरा मैनेजमेंट वगैरह है, इनके द्वारा किया जाता है। सुप्रमित बंदोपाध्याय उसके चेयरमैन है। फिर उसके बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, या जो यूएडीएआई, या अगर शॉर्ट में बोले तो आधार, तो आधार के चेयरमैन जो है पंकज कुमार है। उसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस है ना, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विवेक जोशी है, जो सेंसस के रजिस्ट्रार है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हुई, महत्वपूर्ण पोस्ट हुई जो भारत सरकार के अंदर अभी अंतर्गत यहां पर है। एक लेक्चर लेंगे जिसके अंदर एमपी की इंपॉर्टेंट पोस्ट भी मैं कवर करने वाला हूं। इसका जो अगला लेक्चर होगा उसके हम बात करेंगे अवार्ड एंड ऑनर्स की, कि इस साल में जो भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए हैं उनको हम शॉर्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।